हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लिटिल डिज़ायर पे। तो आज की हमारी रेसिपी है रमास की चाट। और इस टाइम मैं हूँ किचन में, शाम के बज रहे हैं 5 और मेरी किचन में थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, ये देखिए। और मैं शाम के नाश्ते के लिए किचन में हूँ। तो आज हम बनाएंगे रमास की चाट। ये ना बहुत एक हेल्दी रेसिपी है, ये छोटे बच्चों और बड़े सभी लोगों को बहुत पसंद आती है और विद इन 5 मिनट बन जाती है। बहुत इजी एंड टेस्टी रेसिपी है, साथ ही साथ बहुत हेल्दी भी होती है, क्योंकि सारे होल ग्रेन्स जितने भी होते हैं वो सारे अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का और फाइबर्स का। तो इसीलिए ये शाम के नाश्ते में आज ये, और ये काफ़ी हेल्दी भी रहता है। ये देखिए, मैंने इसको 5 से 7 घंटे के लिए भिगो के रखा है। ये देखिए, इस तरीके का हो गया है। भीगने के बाद थोड़ा फूल गया है, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डालूंगी। प्रेशर कुकर में इसमें 1 से 2 सीटी आप लेंगे, ये डिपेंड करता है आपका प्रेशर कुकर किस टाइप का है। ये मेरे प्रेशर कुकर में 1 सीटी में हो गया था। साथ में मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी और एक छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए, इसमें बाद में भी नमक डलने वाला है। अब जब तक ये मेरे रमास हो रहे हैं, जब तक मैं इसमें और डालने वाली सब्जियां वगैरह सब चॉप कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का आलू और एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप की है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर। तो यहाँ मेरे रमास गल चुके हैं, मतलब बॉयल हो गए हैं। मैं इनको चेक कर रही हूँ ये सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इनको एक लेडल की हेल्प से, मैं इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, क्योंकि अगर इसमें जब हमने बॉईल किया था तो पानी तो ऑब्वियसली है कि इसमें ज़्यादा हो गई, तो उससे एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लूँगी और एक बाउल में अलग से सूखे ले लूँगी। अब इसी में हम सारे मसाले और जो भी हमारे इसमें ऐड करना है वो मैं सब मिलाऊँगी। ये देखिए, मैंने इसमें एक अलग से बाउल में निकाल लिए हैं ये। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला, करीब आधा छोटा चम्मच, और आधा ही छोटा चम्मच आप डालेंगे ये भुना हुआ जीरा है, और इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा जाएगा काला नमक। काले नमक से चाट में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है अच्छा। हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं तो आप थोड़ा देख करके इसमें नमक को ऐड कीजिएगा अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। और अब मैं थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा वाइट सॉल्ट जो है, ये रॉ सॉल्ट जो होता है, जो मैं उसको स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये मैंने लिया है इसमें चाट मसाला। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास, मेरे पास इस टाइम हरा धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने वो इसमें ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास हो तो आप हरी धनिया की, फ्रेश धनिया की पत्तियाँ अगर आप ऐड करेंगे तो वो भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। और मैंने इसमें हरी मिर्च इसलिए ऐड नहीं की कि इसको मेरा छोटा बेटा खाएगा, तो वो बच्चे ज़्यादातर हरी मिर्च पसंद नहीं करते खाने में, इसलिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़े आलू, थोड़ी प्याज, थोड़ा सा टमाटर इसमें ऐड किया है। मैंने सारा आपको एक साथ नहीं बनाना है, जब आप खाएं तो थोड़ा थोड़ा बनाएं। अगर आप सारा एक साथ बना देंगे तो ये जो है पानी को अलग कर देता है, एकदम पानी छोड़ जाता है नमक होने की वजह से, सारे जो ये प्याज टमाटर और जो आलू हैं, तो खाने में इतना टेस्ट नहीं आता। जब आप बनाएं, सर्व करें, तो थोड़ा थोड़ा बनाते जाएं और आप देते जाएं। इसमें एक हरी धनिया की चटनी अगर और हो, अगर वो और आप डाल लेंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं था। और मैं अब इसको बाउल में डालने वाली हूँ। इसमें थोड़ा सा ऊपर से नींबू, मैंने इसमें खटाई डाली हुई है, टमाटर डाला हुआ है, तो इसलिए बहुत थोड़ा सा नींबू मैंने इसमें डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नींबू टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इसको बनाते जाएं और एक बार देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये बहुत ज़्यादा इसमें पानी भी नहीं होना चाहिए और एकदम ये सूखा भी नहीं होना चाहिए, तब ये टेस्ट आता है। सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स करें और शाम के नाश्ते में तैयार है ये। ऊपर से इसको गार्निश किया है मैंने भुने हुए जीरे से।